सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल MySirG.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका MySirG.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट सीजन 1 का सॉल्यूशन 3 आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट सीजन 1 में कुल 12 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था कि आपको एक एरे को सॉर्ट करना है रिकर्शन की मदद से। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको जो मार्क्स मिले हैं वो इस आधार पर नहीं मिले हैं सिर्फ कि आपने सही बनाया कि गलत, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सही बनाया था, लेकिन मेन बात ये थी कि आपके प्रोग्राम कितना यूनिक है, कितना इफ़ेक्टिव है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से भी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के भी लिहाज से, और कितना इनोवेटिव कोड आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के कोड बहुत ही कमाल के थे, जिनमें से एक कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे ये कोड काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये बहुत छोटा है, एफिशिएंट भी है, इफ़ेक्टिव है। ये भेजा है अभी दोषी एच ने भावनगर गुजरात से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस कोड में कैसे वर्किंग हो रही है। ये कोड आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देखिए मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है। ये जो कोडिंग यहाँ पर की गई है पाइथन लैंग्वेज में की गई है, लेकिन आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल 20, 30, 10, 50, 40, 70, 80, 90, 60 एंड 100। तो ये 10 वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास एक एरे है, लिस्ट है, आप जो भी बोलें इसको। तो ये सपोज करो एक लिस्ट है हमारे पास और ये लिस्ट हम लोगों को सॉर्ट करनी है, ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट बनाई है। अब देखिए इस एल्गोरिथम को कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। तो देखिए, सॉर्ट नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें एक्स में ये वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये सब कुछ किस में चला जाएगा, एक्स में। एक्स भी इसको रेफर करेगा, ओके। अब इफ लेंथ ऑफ एक्स इज लेस देन 2, देखिए लेंथ का मतलब ये हो गया कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्योंकि 10 एलिमेंट है तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी कभी ऐसा होता है कि लिस्ट में एक ही वैल्यू है तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वही लिस्ट हम रिटर्न करा देंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो अभी एल्स वाला पार्ट चलेगा और इसमें जो पहली वैल्यू है वो हम लोग एक पी वेरिएबल में रख लेंगे। तो पी वेरिएबल पॉइंट कर रहा होगा किसको, 20 को। अभी एक लिस्ट कंप्रेंशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है लेस में असाइन हो जाए आई की वैल्यू। अब आई क्या है, फॉर आई इन एक्स, ये देखिए स्लाइसिंग ऑपरेटर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स नंबर 1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक, तो इस पूरी लिस्ट को कंसिडर कर रहे हैं पर पहले वाले एलिमेंट को छोड़कर। तो लिस्ट में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से। तो लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है वो हम 0 से ना स्टार्ट करके स्लाइसिंग ऑपरेटर में कह रहे हैं कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, गॉट इट। ये 8, ये 9, तो 1 से लेकर 9 तक, यानी 30 से लेकर 100 तक सारी वैल्यूज़ बारी बारी से कंपेयर होंगी किससे। ये फॉर लूप कितनी बार चलने वाला है, फॉर लूप चलने वाला है 9 टाइम्स, क्योंकि इस फॉर लूप में हम लोगों ने स्लाइसिंग ऑपरेटर एज अ सीक्वेंस यूज़ किया है। तो स्लाइसिंग ऑपरेटर का जो रिजल्ट आएगा वो भी एक लिस्ट आएगा जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट नहीं है। तो ये फॉर लूप चलेगा 9 टाइम्स और आई की वैल्यू बारी बारी से चेंज होगी। यानी आई की वैल्यू पहले हो जाएगी 30, फिर हो जाएगी 10, इस तरीके से एक एक करके वैल्यू होती जाएगी। अब वो आई की वैल्यूज़ जो पी से छोटी, यानी 20 से छोटी जितनी आई की वैल्यूज़ हैं वो लेस में चली जाएंगी। तो लेस नाम से जो एरे बनेगा या लिस्ट बनेगी उसके अंदर वही वैल्यूज़ होंगी जो कि 20 से छोटी हैं। तो 20 से छोटी कौन है, 10 है, और केवल 10 है और कोई सी भी नहीं है। इसी प्रकार से हम ग्रेटर नाम का भी एक लिस्ट बना रहे हैं, ग्रेटर, और ग्रेटर लिस्ट के अंदर भी क्या होने वाला है, आई की वैल्यूज़ आएंगी। अभी आई क्या है, ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, अगेन ये भी 9 टाइम्स चलेगा, लेकिन यहाँ पर हम वो वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे जिसमें पी से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, आई की वो वैल्यूज़ जो पी से ग्रेटर हैं। तो अब आप देखो P कितना है, 20, तो 20 से ग्रेटर जितनी वैल्यूज़ हैं वो इसमें आ जाएंगी। जैसे कि इसमें आ जाएगा 30, इसमें आ जाएगा 50, इसमें आ जाएगा 40, 70, 80, 90, 60 एंड 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 20 से सारी छोटी वैल्यूज़ मिल गई और सारी बड़ी वैल्यूज़ मिल गई। तो हमने
कनकार्टिनेट करा है. कनकार्टिनेट किया है किस किस को? हमने कनकार्टिनेट किया है ये वाली जो लिस्ट है इसको सॉर्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट, और उसमें कनकार्टिनेट कर रहे हैं 20 यानी ये जो p वाली वैल्यू है, और इसमें हम कनकार्टिनेट कर रहे हैं ये जो ग्रेटर वाली लिस्ट है इसका सॉर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया. अब देखिए रिकर्सिव फंक्शन बनाया हुआ है तो इसका मतलब रिकर्सिवली हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो सॉर्ट फंक्शन को हम दोबारा कॉल कर रहे हैं लेकिन अब की बार इस लिस्ट के लिए कॉल कर रहे हैं. तो ये जब सॉर्ट हो जाएगा तो इधर पे रिजल्ट आ जाएगा. तो इस पे रिजल्ट क्या आ जाएगा? इस पे आ जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. इस तरीके से एक लिस्ट बन जाएगी और ये आ जाएगी, और लेफ्ट साइड पे क्या आ चुका होगा? 10 आ चुका होगा. ठीक, तो इस तरीके से तीनों लिस्ट कॉन्कार्टिनेट हो जाएंगी और जो रिजल्ट आएगा वो भी एक लिस्ट होगी जिसमें की वैल्यू 10 से लेकर 100 तक होंगी और ये रिटर्न हो जाने वाला है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छे से कोडिंग करी गई है, और इस तरीके से कोड लिखने को मैं भी आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप अच्छा शॉर्ट स्वीट कोड बनाइए, जितना सुंदर कोड हो सकता है उतना सुंदर कोड बनाइए और साथ में वो एफिशिएंट रहे ऐसी भी कोशिश करनी थी. बहुत अच्छा कोड था, मुझे काफ़ी पसंद आया. लेकिन इसके अलावा धनंजय तिवारी का और राहुल यादव का भी कोड बेहतरीन बना हुआ है, आप लोग उसको भी कॉमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं. इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 के वीडियो के कमेंट सेक्शन में. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, जितना हो सकता है शेयर करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. थैंक यू, गुड बाय.